नमस्कार, आप सबका एक संशोधक चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग गुरुजी जीवन प्रसंग का आदर्श जीवन चैप्टर का 5वें खंड को कंप्लीट कर चुके हैं, 6वें खंड पे पहुँचे हैं। 6ठा खंड है वे बहुमूल्य वस्तुएं। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब, कोई चीज़ रह तो नहीं गई? मैंने यह प्रश्न पूछा श्री गुरु जी के निजी सहायक डॉक्टर अब्बा जीतते से। उस समय अभी रेल के डिब्बे के अंदर ही थे। प्रातः काल का समय था, गाड़ी कुछ लेट थी। ज्वालापुर के प्राय भीड़ नहीं रहती थी, क्योंकि उसमें अगले स्टेशन हरिद्वार के लिए ही यात्री अधिक रहा करते थे। ज्वालापुर की गाड़ी का रुकना केवल 2 मिनट का ही होता था, इस कारण उतरने वाले यात्री फुर्ती करते थे, और वह स्वाभाविक ही है कि परंतु पहले दर्जे के डिब्बे में इसका कोई लक्षण नहीं था। इसके अलावा कई व्यक्तियों ने मिलकर श्री गुरु जी का सामान उतार दिया था। डॉक्टर दत्ते ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। मेरा विचार है कि अब सामान उतर गया है, परंतु इस प्रश्न के उत्तर में श्री गुरु जी ने कहा, जो सामान उतर गया है उसको छोड़कर शेष हरिद्वार चला जा गया है। यह सुनकर मुझे बहुत चिंता हुई, परंतु वे मुस्कुरा रहे थे। मैंने नमस्कार करने के पश्चात पूछा, क्या सचमुच ही कोई चीज हरिद्वार चल गई है? कोई चीज डिब्बे में रह गई है क्या? वे मुस्कुरा दिए और कहने लगे, डिब्बे में किसी चीज के रहने का पता कैसे चल सकता है? मैंने सुझाव दिया, अभी एक आदमी हरिद्वार भेज देते हैं और वह डिब्बे की तलाशी लेने के बाद वहां लौट आएगा। श्री गुरु जी ने कहा, परंतु वह चीज तो उससे पहुंचने के पहले ही उड़ सकती है। मैंने पूछा, क्या इस प्रकार पहले भी कोई चीज खो गई है? श्री गुरु जी चुप हो गए। जैसे कि बाद में पता चला, वह बात नहीं थी कि उसके पास उसका कोई उत्तर नहीं था। शायद वे यह सोच रहे थे कि किन शब्दों में उत्तर दिया जाए। उन्होंने धीरे से कहा, वीर जी, सारा सामान न उतरने के कारण एक बार नहीं, 2 बार ऐसी चीजें गुम हो गई है जिससे मूल्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। पहली बार तो स्वयं पूज्य डॉक्टर हरिद्वार जी के हाथ से लिखी हुई प्रार्थना गुम हो गई है, अब वह मिल नहीं सकती है। वह कितनी बहुमूल्य कोष था जिसके हाथ यह लगी होगी, वह उसके मूल्य का अंदाजा लगा नहीं सकता। मैंने पूछा, दूसरी? श्री गुरु जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद के पास एक चाकू रहा करते थे, और वह किसी प्रकार से मेरे पास पहुंच गया। सामान उतारने वाले की लापरवाही से वह बहुमूल्य वस्तु भी गुम हो गई है। न मालूम किसके हाथ यह चाकू पड़ गया होगा, अब वह उससे क्या कार्य ले रहा होगा। सचमुच ही ये 2 वस्तुएं बहुमूल्य थी, और उसके गुम हो जाने से बहुत बड़ी हानि हुई। यानी गुरु जी के जीवन में विवेकानंद जी और डॉक्टर जी, ये दोनों का जीवन और दोनों का आदर्श गुरु जी के लिए सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी 2 बहुमूल्य वस्तुएं, यानी डॉक्टर जी की लिखी हुई प्रार्थना और विवेकानंद जी के चाकू का घूमना, उनके जीवन का सबसे बहुमूल्य वस्तु को घूमने में से है। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।